हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आई एम हेयर योर योगा टीचर उजाला कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल योगा लाइफ। आज ये मैं वीडियो स्पेशली किड्स के लिए लेके आई हूँ कि किड्स को कौन कौन से ऐसी कुछ क्रियाएं, कुछ आसन और प्राणायाम करने चाहिए जो उनको काफ़ी हेल्प करेंगे। जैसे कि हम आजकल देख सकते हैं कि किड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उनकी स्टडी का प्रेशर है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ का प्रेशर है, और भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, पीयर प्रेशर है, काफ़ी चीज़ों का उनके माइंड पे एक प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर को कम करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, उनके कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए योग उनकी काफ़ी मदद करेगा। और मैं पेरेंट्स को यही रिकमेंड करूँगी कि आप भी कुछ टाइम अपने मैट पर स्पेंड करें और अपने बच्चों को भी इसकी आदत डालें। ये लॉन्ग टाइम काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा उनके ऊपर। उनकी स्टडी में ध्यान लगना और एक्टिविटीज़ में ध्यान लगाना, कैसे कंपटीशन के कारण वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस फील करते हैं कि हमें और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है। तो आज मैं कुछ चीज़ें बताऊँगी जो बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी, और मैं उम्मीद करूँगी कि पेरेंट्स अपने बच्चों को योग में ज़रूर शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। जो ताड़ासन है वो एक तो बच्चों की हाइट को इंक्रीज़ करने में भी काफ़ी हेल्प करेगा। ताड़ासन करने से जैसे कि इसका बहुत बढ़िया एक बेनिफिट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हाइट को बढ़ाने में ये काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा जब हम ताड़ासन करते हैं तो हम किसी एक पॉइंट पे फोकस करते हैं, उससे क्या होगा, हमारा माइंड स्टेबल होगा, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, एक चीज़ पे कैसे फोकस करना है ये बच्चों को पता चलेगा। तो ताड़ासन को किस तरह करना है चलिए जानते हैं। सबसे पहले समस्थिति में खड़े हो जाएंगे, अपने दोनों फीट को एक साथ रखना है, जोड़ भी सकते हैं, लिटिल बिट गैप भी रख सकते हैं, अगर कंफर्टेबल जैसे आपको लगे वैसे कर लें। बैक सीधी रहेगी, एकदम गर्दन सीधी रहेगी, ऐसे झुक के नहीं बैठना है, एकदम स्पाइन स्ट्रेट, बॉडी वेट फ्लोर पे रहेगा, एकदम रिलैक्स होके करेंगे, कोई भी किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना। उसके बाद क्या करना है, इनहेल करते हुए रेज योर बोथ हैंड्स, दोनों हाथों को इस तरह ऊपर की तरफ ले जाएं और फिंगर्स को आपस में लॉक कर दें इस तरह से। उसके बाद अपने पाम्स को स्काई की तरफ, टुवर्ड्स द स्काई उसको टर्न कर लेंगे। ये तो थी आर्म्स की पोजिशन। नाउ अगेन विद द इनहेल अपने हील को ऊपर उठाना है और अपने टोस पर आना है। आपको सामने किसी एक पॉइंट को चूज करके उस पर फोकस करना है, कंटिन्यू उसी एक जगह को देखते जाएंगे और ताड़ासन को कंटिन्यू करेंगे। जितना स्ट्रेच दे सकते हैं उतना देना है। बाजू सीधी रहेगी, ऐसे नहीं मोड़ेंगे। मैक्सिमम 20-30 सेकेंड्स जितना होल्ड कर सकते हैं उतना करें। उसके बाद धीरे धीरे अपनी हील्स को नीचे ले जाएं और विद द एक्सहेल डाउन। तो ये था ताड़ासन। इसकी टाइमिंग्स बढ़ा सकते हैं, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, टू टाइम्स करें, थ्री टाइम्स करें। एक बार मैं फिर करके दिखाऊंगी। फॉर 20 सेकेंड्स पैरों की पोजीशन वही रहेगी, विद द इनहेल रेज योर बोथ हैंड्स और धीरे से अपनी हील्स को ऊपर उठा लें। धीरे धीरे पैर नीचे और धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आएंगे। तो ये था ताड़ आसन। नेक्स्ट हम करेंगे ट्री पोज, जिसे वृक्षासन भी कहते हैं। वृक्षासन भी आपके माइंड को स्टेबल रखने में बच्चों को काफ़ी मदद करेगा, और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बॉडी को कैसे स्टेबल रखना है, फिजिकली और मेंटली कैसे स्टेबल रहना है, ये दोनों ही चीज़ों में आपकी काफ़ी हद तक मदद करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं ट्री पोज की तरफ। ट्री पोज में आपको क्या करना है, दोनों साइड से करना होता है। पहले हम अपनी राइट लेग से करेंगे, लेफ्ट लेग आपकी सीधी रहेगी। अपने राइट पैर को किसी भी जगह प्लेस करना है, आपको ये चूज़ खुद करना है कि आपको कहाँ कंफर्टेबल लगता है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं, बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो उनको अपना पैर यहाँ एंकल के पास रखने के लिए कहें। ये तो था पहली जगह कहाँ रख सकते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर रख सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, नी के ऊपर नहीं प्लेस करेंगे अपने पैर को, या तो नी के नीचे रहेगा आपका पैर या नी से ऊपर इस तरह इनर थाई पे रख सकते हैं। ये जो टांग है नी, इस तरह से नहीं आना चाहिए, इस तरह बाहर की तरफ।
जो आपकी राइट वॉल है उसकी तरफ आपका नी ये जाएगा। ये तो थी लेग की पोजीशन। एक और चीज़ है, अगर बच्चे थोड़ा योग में थोड़ी प्रैक्टिस है तो हाफ पद्मासन जो पोज होता है, जिसमें हम अपना पैर ऐसे थाई के ऊपर रखते हैं, इस तरह भी अपनी लेग को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स कि आपको अपनी लेग कहाँ पर प्लेस करनी है। उसके बाद लेग की पोजीशन के बाद इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे नमस्कार मुद्रा में। इस तरह नमस्ते करते हुए हम अपने हाथों को इस तरह से प्लेस करेंगे। बाजू ऐसे नहीं रहेगी, एकदम सीधी रहेगी। तो चलिए एक साथ शुरू करेंगे, स्टार्ट। धीरे से अपनी लेग को इस तरह प्लेस कर लें। मैं हाफ पद्मासन जैसे करते हैं उसमें करूँगी, और विद द इनहेल दोनों हाथ ऊपर सामने किसी एक जगह पर अपना ध्यान लगा लें स्माइल के साथ। और फिर धीरे धीरे हाथ नीचे आएंगे। जब हम इस पोजीशन में करेंगे तो नी जो हमारा है वो नीचे फ्लोर की तरफ टर्न है, उसकी डायरेक्शन नीचे जमीन की तरफ जा रही है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब इस लेग को रिलैक्स कर दें। अब एक दूसरे तरीके से भी करके दिखा देती हूँ, इनर थाई पे रख के कैसे करना है। इनर थाई के ऊपर इस तरह अपने पैर को प्लेस करते हुए नी जो है वो लेफ्ट वॉल की तरफ जाएगा, और फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर और सामने देखना है बिल्कुल। मैक्सिमम टाइम, स्ट्रेस को दूर करने में काफ़ी हेल्प करता है ये, काम रखेगा माइंड को, फोकस रखेगा। एंड स्लोली स्लोली कम बैक, और धीरे से अपनी लेग को रिलैक्स करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे आसन की तरफ। तीसरे आसन को क्या बोलते हैं, सिंहासन, लाइन पोज भी बोल देते हैं जिसे हम। इसको प्राणायाम में भी इंक्लूड किया जाता है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, ब्रीदिंग पे फोकस करना होता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसको कैसे किया जाए। लाइन पोज करने के लिए काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अलग अलग पोजेज भी लेते हैं, पर हम इसको पद्मासन में बैठ कर करेंगे। पद्मासन लोटस पोज बोलते हैं जिसे। अगर तो कंप्लीट पद्मासन लगता है तो कंप्लीट करेंगे, नहीं तो हाफ भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने अपनी राइट लेग को प्लेस किया है अपने लेफ्ट थाई के ऊपर इस तरह, और फिर अपने लेफ्ट फुट को अपनी राइट थाई के ऊपर इस तरह से मैंने प्लेस कर दिया। ये हो गया कंप्लीट पद्म आसन। दोनों हैंड्स को नी के ऊपर प्लेस करेंगे इस तरह से। अब क्या करना है, दोनों नोस्ट्रल के थ्रू आपको ब्रीद इन करना है, और एक्सहेल जब करना है, सांस को जब छोड़ना है, तो क्या चीज़ करनी है, अपनी टंग को बाहर निकालना है और मुंह से ब्रीद आउट करना है। हा साउंड को क्रिएट करना है। किस तरह से, इनहेल किया, इस तरह से हा साउंड को क्रिएट करना है। एक्सहेल करते हुए टंग को बाहर निकालना है। जो आपकी टंग है वो आपकी चिन की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ। आईज को ओपन करना है, बिल्कुल वाइड ओपन करना है, एकदम से खोल के। और जब हाथ ऐसे रखे हैं तो हाथों को भी पूरा टाइट करके इस तरह से फ्लोर की तरफ लेके जाएंगे अपनी फिंगर टिप्स को। अब एक साथ सभी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी कि लाइन पोज को किस तरह किया जाता है। इनहेल करेंगे, फिर धीरे से टंग अंदर जाएगी, फिर इनहेल करेंगे, रिलैक्स 3 times विद द इनहेल विद द नोस्ट्रल, एंड रिलैक्स। ये जो लाइन पोज है वो बच्चों के गुस्से को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद करेगा, एंगर को। आजकल बच्चों में फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, उसके पीछे काफ़ी रीजंस हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है उन्हें। जैसे कि जो पेरेंट्स हैं उन्हें ज़्यादा पता है कि बच्चे आजकल क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर होने के कारण। तो ये जो लाइन पोज है वो काफ़ी हद तक मदद करेगा उनके एंगर को कम करने में, उनके फ्रस्ट्रेशन लेवल को कम करने में। और इसको
बच्चे एक फन लेके भी एक उस तरीके से भी करेंगे तो एंजॉय भी करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी लास्ट, एक आसन नहीं है ये, एक तरह की क्रिया बोल सकते हैं इसको, सूक्ष्म व्यायाम भी बोल सकते हैं। ये हम करेंगे ईयर ट्विस्टिंग। एक्चुअली इसमें क्या करना है, अपने ईयर की मसाज करेंगे, ट्विस्ट मरोड़ना नहीं है ईयर ट्विस्टिंग, मतलब उसको मरोड़ नहीं देंगे अपने कानों के, अपने बच्चों के, आप खुद भी कर सकते हैं, अगर बच्चे सीख सकते हैं तो वो खुद भी अपने कानों की मसाज कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, हमारे कानों में हमारे बॉडी के सारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, स्पेशली माइंड, जब हम इनकी मसाज करते हैं तो बच्चों के दिमाग को तेज़ करने में वो काफ़ी हद तक मदद करेगा। एक जो दिमाग जो हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, एक हैप्पीनेस जैसे खुशी के हार्मोन्स, उसको रिलीज़ करेगा, उनको काफ़ी अच्छा और आनंद महसूस होगा इस ईयर ट्विस्टिंग को करके। ज़्यादा ज़ोर से पकड़ के खींचना नहीं है, धीरे धीरे अपने लोअर जहाँ बिल्कुल नीचे वाले हिस्से को ऐसे अपने पॉइंटर फिंगर से और अपने थंब से इस तरह से पकड़ के उसको धीरे धीरे से ऐसे ऐसे रब करेंगे, उसकी मसाज करेंगे और थोड़ा सा पुल करेंगे, लिटल, ज़्यादा ज़ोर के नहीं खींचेंगे। इसी तरह थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, इस तरह से थोड़ा थोड़ा उसको मसाज करें उसकी, फिर थोड़ा सा और ऊपर लेकर जाएं, थोड़ा सा और ऊपर, इस तरह नीचे से लेकर पूरा अपने कान के ऊपर तक मसाज करेंगे और फिर ऊपर से नीचे तक आएंगे इस तरह से, और अब थोड़ा थोड़ा उसको पुल करना है, थोड़ी थोड़ी, जो अपनी ईयर की मसल्स हैं उनकी अच्छे से मालिश होगी इससे कंप्लीट। और सेंटर में, सेंटर में रखने अपनी पॉइंटर फिंगर को, अपने ईयर के सेंटर में इस तरह रख के भी अच्छे से मसाज करें, थंब जो है वो पिछली साइड जाएगा इस तरह से। इसी तरह दूसरे कान की भी करनी है, पहले धीरे धीरे उसकी मसाज करनी है थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए, फिर थोड़ा थोड़ा उनको क्या करना है, पुल करना है इस तरह से। देखिए जो भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, ये ज़रूर खुद भी करें, अपने बच्चों को भी करवाएं, आपको एक पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।